अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, उसमें खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और दोस्तों उनके मैं आपको यूजेस बताता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ, साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए एक हर्बल प्लांट को सिलेक्ट किया है। तो आज मैं आप लोग को लेमन ग्रास के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों लेमन ग्रास को इसके अलावा सिम्बॉप पोगोयन भी बोला जाता है, बार्ड वाइट ग्लास भी बोला जाता है, सिल्की हेड्स भी बोला जाता है, कोचीन ग्रास भी बोला जाता है एंड मालाबार ग्रास भी इसे बोला जाता है। दोस्तों इसके जो नेटिव कंट्रीज हैं, वियतनाम है, लाओस है, कैम्बोडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, साउथ इंडिया है। और दोस्तों बेसिकली ये घास की फैमिली में से है। और दोस्तों इसे आमतौर पर कहवा हो ग्रीन ट्री बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बहुत ही मुफीद जो है हर्बल प्लांट है। चलो दोस्तों ये तो थे लेमन ग्रास के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अब आ जाते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स की तरफ। और दोस्तों लेमन ग्रास से एसेंशियल ऑयल बनाया जाता है, जिसे मुख्य किस्म के कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसे साबुन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, शैम्पूज के अंदर यूज किया जाता है, क्रीम लोशन वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों बेहतरीन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है। और दोस्तों जो इंसेक्ट रेप्लिकेंट होते हैं उनके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कीड़े मार स्प्रे जो होते हैं उसके अंदर भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। खुशबूदार मोमबत्तियाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसे अगरबत्ती बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके बहुत ही खूबसूरत लीमो की तरह की खुशबू होती है। और दोस्तों इसकी खुशबू के साथ फ्रेगरेंस थेरेपी की जाती है। और दोस्तों इसे मुख्य किस्म के फोर्थ फ्लेवरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वजन को कम करता है ये, इस वजह से ग्रीन टी का एक अहम इंग्रेडिएंट है। ग्रीन टी के अंदर इसे लाजमी शामिल किया जाता है ताकि वजन तेज़ी के साथ कम हो। और दोस्तों जिसम में से हर किस्म के इन्फेक्शन को दूर करता है, जिसम में कोई गिल्टी बन रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है, कोई कैंसर बन रहा है, उसे दूर करता है। दोस्तों कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करता है। और दोस्तों जिसम में से हर किस्म के बुखार को दूर करता है। और दोस्तों स्पेशली डेंगू मलेरिया के लिए बेहतरीन इसके रिजल्ट हैं। और दोस्तों अगर आपका डायरिया की वजह से, हैजा की वजह से पेट डिस्टर्ब है, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। खाने को हजम करता है। और दोस्तों नींद को प्रमोट करते हैं, ऐसे अफराद जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों जिल्द को खूबसूरत बनाता है, झुर्रियों से पाक करता है, जिल्द को खींच के रखता है, खून को साफ करता है। और दोस्तों सांस के मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है, नजला जुकाम खांसी वगैरह के लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों इसी तरह जो है दिल के मरीजों के लिए भी बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। और दोस्तों डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करके मूड को अच्छा करता है। और दोस्तों जिसम में से हर किस्म की ये सोजिश को दूर करता है। और दोस्तों कुल मिला के ये जो है सुपर हर्बल प्लांट है, तो इसे अपनी खुराक के अंदर आज से ही शामिल कर लें, ये बेहतरीन है। लेमन ग्रास के बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। चलें दोस्तों अब आ जाते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की तरफ। दोस्तों अगर लेमन ग्रास को मुनासिब मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये सेफ़ है। दोस्तों अगर आप एक दिन में इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और दोस्तों आपका मुंह खुश्क हो सकता है। दोस्तों आपको बार बार पेशाब आने की हाजत हो सकती है, स्नीजिंग एलर्जी स्टार्ट हो सकती है। और दोस्तों एक्सट्रीम यूज़ करने से जिसम के ऊपर लाल धब्बे बढ़ सकते हैं, ख़ारिश स्टार्ट हो सकती है। चलें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेमन ग्रास के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मज़ीद आपका कोई सवाल है लेमन ग्रास के हवाले से जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया है, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों मज़ीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुझे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा, मैं आपको इसका रिप्लाई भी दूंगा। और दोस्तों ऑलरेडी मैं आप लोगों को बहुत सारी मालूमती वीडियोस बना के दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चलें दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा फिर एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।